चालू काम करो। ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरा कोतवाली क्षेत्र का तिगरी गांव रविवार को गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। गोलियों की यह थरथराहट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की नहीं बल्कि दो पक्षों में भूमि विवाद का नतीजा थी। इसी विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग की तो दूसरे पक्ष के लोगों ने एकत्रित होकर पथराव कर दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर चार हथियार जब्त कर लिए। पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों के 100 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तिंगरी गांव के पास 58 बीघा भूमि है। इस भूमि पर कॉलोनी बसी हुई है। 1000 से अधिक लोगों ने यहां अपने आवास बना लिए हैं। इसी भूमि पर एक सोसाइटी भी है। डीलर के माध्यम से किसान से प्लॉट खरीदने वाले लोग भूमि को अपनी बताते हैं जबकि सोसाइटी के लोग इस पर अपना अधिकार बताते हैं। बताया गया है कि झगड़े में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, हालांकि कुछ लोग चोटिल हुए हैं। मौके पर लगभग 1.25 घंटे तक हंगामा चला। इस दौरान हुए फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया।